फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए रक्षाबंधन मेकअप लेके आई हूँ, क्योंकि अभी समर का मौसम है तो मेकअप हमारा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए उस तरह का मैं मेकअप लाई हूँ जो हमारा देर तक चले और बहुत ही कम सामानों में मैं पार्लर जैसा मेकअप करूँगी। अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिसके पास बहुत सारे मेकअप के सामान नहीं होते हैं, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है। सो आप देखिए कि मैं किस तरह मेकअप करती हूँ, कैसी लगती हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैं कैसी लगी, मेरा मेकअप आप सबको कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आइस क्यूब अपने फेस पर लगाएंगे। आइस क्यूब हमारे समर मेकअप के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सो हम आइस क्यूब लगाएंगे। आइस क्यूब से हम थोड़ी देर फेस पर नेक पर मसाज करेंगे। हमारा आइस क्यूब लग चुका है फेस पर, मैं इसको वॉश करूं। आइस क्यूब लगाने के बाद फेस पे एक अलग तरह का फ्रेशनेस आता है, सो अब उसके बाद मैं लगाऊंगी अपना ये फेवरेट क्रीम लोटस हर्बल का, जो कि इसमें आपको सनस्क्रीन भी मिल जाता है और मॉइस्चराइजर क्रीम भी है। तो मैं मॉइस्चराइजर टोनर कुछ भी नहीं यूज करूंगी, बस मैं इसको लगाऊंगी। हमारा क्रीम लग चुका है, अब मैं प्राइमर लगाऊंगी। प्राइमर समर में मेकअप में बहुत इम्पोर्टेंट है, प्राइमर हमेशा आप समर का मेकअप करो जरूर लगाओ, और जहाँ ज़्यादा पसीना आता हो वहाँ थोड़ा ज़्यादा प्राइमर का यूज़ कीजिए। सो यहाँ हमारा प्राइमर लग चुका है, अब मैं लगाऊंगी लैक्मे का सीसी क्रीम। फाउंडेशन यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मैं लाइट मेकअप कर रही हूँ, ऐसे भी गर्मी में हैवी मेकअप नहीं करना चाहिए, तो आप चाहो तो सीसी क्रीम में थोड़ा सा मॉइस्चराइजर भी मिलाकर लगा सकते हो। तो मैं यहाँ सीसी क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। डैप डैप करके जो भी चीज़ आप फेस पर लगाओ उसको आप कानों पर और नेक पर जरूर लगा रहे हैं। ये तो ऐसा होता है ना कि आपका फेस का कलर अलग हो जाना है और कान और नेक का कलर अलग दिखता है, तो वो बहुत गंदा दिखता है। तो ये हमारा सीसी क्रीम लग चुका है, अब मैं इसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी।
तो आप देख सकते हैं मेरा सीसी क्रीम लग चुका है पूरे फेस पर। अब मैं सीसी क्रीम या बीबी क्रीम आपको जो भी अच्छा लगे उसे लगाना। हैवी फाउंडेशन गर्मी में यूज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई पार्टी फंक्शन हो तब तो आपको यूज़ करना बनता है, पर यहाँ मैं आपको सिंपल सा मेकअप बता रही हूँ जिसमें मैंने सीसी क्रीम यूज़ किया है। अगर आपके पास सीसी क्रीम नहीं है तो आप बीबी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं लगाऊंगी आईब्रो पेंसिल। यहाँ हमारा आईब्रो पेंसिल लग चुका है। अब मैं लगाऊंगी काजल। हमारा काजल लग चुका है। अब मैं लगाऊंगी लाइनर। लाइनर एक आंख में लग चुका है। सो यहाँ पे मेरा आईलाइनर लग चुका है। सो आप देख सकते हैं। अब मैं लगाऊंगी आई शेडो। आई शेडो लगाने से पहले मैं कॉम्पैक्ट का यूज नहीं करूंगी, मैं लूज पाउडर का यूज करूंगी क्योंकि समर का मौसम चल रहा है, इसीलिए मैं कॉम्पैक्ट यूज़ नहीं करूँगी। खुला जो पाउडर होता है लूज पाउडर उसको लगाऊंगी। लूज पाउडर को आपको डायरेक्ट हाथ पर लेकर यूं नहीं लगाना है, आपको ये ब्लेंडर में हल्का सा डिप करके लूज पाउडर से पसीने बहुत कम आते हैं। इस लूज पाउडर को हम सब जगह अप्लाई कर लेंगे। हमारा लूज पाउडर लग चुका है, देखिए कितना फ्रेश फ्रेश लुक आ रहा है समर के मौसम में भी। सो
उसके बाद मैं लगाऊंगी आई शेडो। आई शेडो के लिए मैं आई शेडो का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं लिपस्टिक का यूज़ करूँगी। जिन लोगों के पास आई शेडो नहीं है तो आप इस तरह से अपना आई शेडो कर सकते हैं लिपस्टिक से। ब्लेंडर लूँगी, मैं हल्का सा लिपस्टिक लगाऊंगी। देखिए हमारा आई शेडो लग चुका है और कितना अच्छा लग रहा है। तो दूसरे आईज में भी हम इसी तरह लिपस्टिक का आई शेडो अप्लाई कर लेंगे। दोनों आईज में आई शेडो लग चुका है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब मैं लगाऊंगी हाइलाइटर। हल्का सा हाइलाइटर इस ब्लेंडर में लूंगी और आई शेडो पर लगाऊंगी। ये देखिए हमारा आई शेडो कितना सुंदर दिख रहा है। इसी तरह हम इसके ऊपर भी अप्लाई कर लेंगे। तो हमारा आई शेडो लग चुका है। आपको अगर कहीं फैला हुआ लगे तो आप उसको क्लीन कर लेना। तो हमारा आईज मेकअप जो कि ज़्यादा हैवी नहीं है, एकदम लाइट मेकअप है, तो आईज मेकअप कंप्लीट हो चुका है। अब मैं लगाऊंगी लिपस्टिक। यहाँ हमारा लिपस्टिक लग चुका है। सो आप मेरा लुक देख सकते हैं कैसे दिख रही हूँ मैं। ये मेकअप जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। मैं कोई एसी में ये वीडियो नहीं बना रही हूँ, मैं और लाइट भी कटा हुआ है। सो आप देख सकते हैं मेरी स्किन पर थोड़ा सा भी ये नहीं है पसीना, थोड़ा भी पसीना नहीं है। सो अब मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बिंदी, बिंदी लगा ली हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा आई मेकअप, फेस मेकअप कैसा हुआ है।
और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक माय चैनल एंड शेयर माय चैनल। सो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। सो आप देख रहे होंगे कि लाइट कट रही है, आ रही है। सो अब मैं आपको पूरा लुक दिखाऊंगी, हेयर स्टाइल, नेकलेस वगैरह पहनकर कि मैं कैसी दिख रही हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा फाइनल लुक। सो अगर आपको मेरे ये मेकअप, हेयर स्टाइल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब, लाइक तो कर ही दीजिएगा। सो अब मैं लास्ट टचअप करूँगी हाइलाइटर। ज़्यादा हाइलाइटर का यूज़ नहीं करेंगे, समर का मौसम है तो हम हल्के हल्के ही हाइलाइटर ही लगाएंगे। सो हमारा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। सो फ्रेंड प्लीज़, अगर आपको मेरा, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरा ये लुक मेकअप अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि मेरे नई नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और आप सपोर्ट करोगी तभी मैं आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर आऊँगी। Please support me, please. So thank you.